Hey, what's up guys and welcome back to another video। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ मीव आई थीम ऑफ द मंथ के एक और नए एपिसोड के बारे में, और यहाँ पे हम जानेंगे कि इस बार मैं आपके लिए कौन सी टीम्स लेके आ गया हूँ, तो शायद आपका माइंड ब्लो करके रख देंगी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं इस सारी चीज के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। दोस्तों बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल के रिगार्डिंग। मतलब अगर आप किसी और बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो ऑल पर जरूर से क्लिक कर देना। एंड यार इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो जाओ, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। उससे पहले एक और क्वेश्चन है भाई कि मैं इस चैनल के ऊपर कस्टमाइजेशन से रिलेटेड तो वीडियोस डालता ही हूँ, जाने की MIUI थीम्स हो गई, उसके कस्टमाइजेशन हो गई, बट मैं सोच रहा हूँ कि भाई साथ ही साथ MIUI तो रहेगा ही रहेगा, पर उसके साथ मैं नोवा लॉन्चर सेटअप, KWGT सेटअप्स, KWGT के विजेट्स हो गए या उसके सेटअप्स हो गए, या फिर टॉप 5 आइकन पैक्स, टॉप 5 विजेट्स, टॉप 5 सेटअप्स, इस चीज़ से रिलेटेड भी वीडियोस डालूं या ना डालूं, क्योंकि भाई वो दोनों अगर थीम्स और उस चीज़ को मिक्स कर देंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग आपके फ़ोन को लुक मिल जाएगा। तो मेरे को जोर से बताना, मैं पोल डालूंगा येस नो, और जो मैं बनाऊंगा वो देखेंगे। ये तीन ऑप्शन होंगे, आप जाके बता देना मेरे को, उसी हिसाब से हम आगे वीडियोस कंटिन्यू रखेंगे। अब MIUI रहेगा, डोंट वरी, बट उसके साथ ही साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की थीम्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको थीम्स देखने को मिल जाती है, मतलब चार थीम्स हैं, तो हम चारों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम चल जाते हैं थीम स्टोर के ऊपर। एंड जो फर्स्ट थीम आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, उसका नाम है AnDS OS वर्जन 2। एंड दोस्तों ये जो थीम है, ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड Xiaomi थीम देखने को मिलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज MIUI 3, MIUI 1, MIUI 2 में जो बूट एनिमेशन थी, वो सेम बूट एनिमेशन आपको इस थीम के अंदर देखने को मिल जाती है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड एंड MI वालों को मिक्सचर करके इस थीम को बनाया गया है। मतलब प्योर वो बट एनिमेशन नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती उससे, ठीक है। तो इसे अप्लाई करके दे और देखते हैं आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। थीम हो चुकी है अप्लाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक बार देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 10 से लिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको आइकन से लेके वॉलपेपर तक हर चीज आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड वाली देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अमेजिंग लगता है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले स्टेटस बार के बारे में, तो वो भी आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही देखने को मिल जाता है, जो आपके फोन को एक काफी अमेजिंग लुक प्रोवाइड करा देता है। ब्राइटनेस स्लाइडर हो गया, ग्रेडिंग हो गई, हर चीज यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली देखने को मिल जाती है। अब आप बात कर लेते हैं सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो वो भी आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही देखने को मिलता है, जो काफी आपके फोन को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करा देता है। डायलॉग मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो वो भी बिल्कुल ही स्टॉक वाला है, काफी कूल लगता है, काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपके फोन को लुक प्रोवाइड करा देगा, मेरे को काफी पसंद आया। हाँ इसमें एनिमेशन नहीं है, बट कोई नहीं। अब बात करते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, सिंपल है, इसमें चेंज नहीं किया गया है, बट बूट एनिमेशन बहुत अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बूट एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ से फोन को करता हूँ मैं रीबूट, एंड इसकी बूट एनिमेशन मैं आपको फटाफट से शोकेस कर देता हूँ। ये अभी होगा बूट, एंड आ जाएगी इसकी बूट एनिमेशन, तो रेडमी अभी उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा भाई बूट आएगा इसका, तो यहाँ पे भी आएगा बूट, तो ये आ गया एंड्रॉइड 1 लिखा आया, एंड देन यहाँ पे MI आ गया। तो भाई ये थोड़ा सा फ्लिकर होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ करना, आप जब खुद यूज़ करेंगे ना तब आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगी बूट एनिमेशन। पहले एंड्रॉइड 1 लिखा आता है एंड वो हट के फिर उसके बाद MI लिखा आता है, पर काफ़ी यहाँ पे आपके फ़ोन को अच्छा लुक जो है वो प्रोवाइड करा देता है। जैसे एक बार ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फर्स्ट थीम। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड थीम के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे चल जाते हैं थीम्स के ऊपर, माई पेज एंड थीम्स। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है सेकेंड थीम, तो सेकेंड थीम का जो नाम है दोस्तों, वो जो आपको देखने को मिलती है सेकेंड थीम, उसका नाम आपको देखने को मिल जाता है BeachOS। एंड दोस्तों ये जो थीम है, ये काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे iOS एंड Android को मिक्स करके एलिमेंट्स बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। साथ ही साथ जो ये BeachOS थीम है, ये पहले थर्ड पार्टी थी, बट इसे अब ऑल नॉन थर्ड पार्टी बना दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो इसमें यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ। अप्लाई करते हैं और देख लेते हैं आपको इसमें क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों थीम हो चुकी है अप्लाई, एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन्स में चेंज देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही साथ वॉलपेपर आपको इसमें पीछे ब्लर देखने को मिल जाता है, एंड आइकन्स यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड प्लस iOS को जोड़ के बनाए गए हैं, तो काफ़ी यहाँ पे आपके फ़ोन को एक अच्छा लुक ये प्रोवाइड करा देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोल्डर के बारे में, तो यहाँ पे फोल्डर में भी आपको चेंज देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत iOS से यहाँ पे
मिलता जुलता फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है। विजेट भी काफ़ी अमेजिंग है एंड यहाँ पे स्टेटस बार आपको खुद इस टाइप का देखने को मिल जाता है, काफ़ी मिनिमल सा है, काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी क्लीन आपको यहाँ पे स्टेटस बार देखने को मिलता है। आइकन्स भी इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके सेटिंग मेन्यू के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में आइकन में चेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायलॉग मेन्यू की अगर हम बात कर ले तो मेरा ये फेवरेट डायलॉग मेन्यू, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो पार्ट है ना, ये जो गोल गोल है, ये बहुत अमेजिंग लगते हैं मेरे को, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को डायलॉग मेन्यू भी। एंड दोस्तों हम बात कर ले लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है, एक एनिमेशन के साथ आती है एंड यहाँ पे पीछे वॉलपेपर लगा हुआ है। साथ साथ ऊपर टिकाएगा तो फोन आप ऊपर स्वाइप करके अनलॉक कर सकते हैं, बट यहाँ से आप टॉर्च कुड़कल कर सकते हैं। यहाँ से कैमरे को अगर आप इधर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक स्मार्ट असिस्टेंट आ जाएगा, या फिर आप किसे कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट असिस्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आपकी पर्सनल यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे दिखाता है। नीचे से स्वाइप करेंगे अगर इस साइड तो यहाँ पे आपके सामने वेदर आ जाएगा, जो भी एक काफ़ी अमेजिंग बात है। नीचे से यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आपका स्मार्ट असिस्टेंट, या फिर इसको भी आप कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं, जो कि iOS वाला है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है, तो ये भी आपके फ़ोन को एक अमेजिंग लुक प्रोवाइड कराता है। मेरे को ये वाला काफ़ी अमेजिंग लगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सेकंड थीम। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड थीम के बारे में, तो भाई जहाँ चल जाते थीम्स के ऊपर, एंड तो यहाँ पे थर्ड थीम आपको देखने को मिल जाती है, उसका नाम है फ्लाईमेट। एंड ये जो थीम है, अगर आपने नाम सुना हो फ्लेम OS का, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कस्टम रॉम है, तो वो जो कस्टम रॉम है उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो बूट है, वो आपको इस थीम के अंदर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा बनाती है इस थीम को। इसे अप्लाई करते हो देख लेते हैं आपको क्या मिलता है इसमें। ये हुई अप्लाई एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन्स में आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं खाली कर दी गई अंदर का पार्ट, बस सिर्फ आउटलाइंस छोड़ दी गई हैं, बट वो भी काफ़ी अमेजिंग लगता है। आइकन्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं और काफ़ी कूल से हैं। चेंज करा गया है MIUI से, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है आइकन्स के अंदर, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले स्टेटस बार के बारे में, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक तो ब्लरी बैकग्राउंड है एंड पीछे का जो बैकग्राउंड था वो हटा दिया गया है, फुली यहाँ पे जो पीछे का ब्लर था वही ले आया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप के आइकन्स एंड यहाँ पे डार्क कुछ यहाँ पे ब्लैकिश करके यहाँ पे कुछ करा गया है। उसके बाद सेटिंग मेन्यू अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको आइकन्स, ग्रिडिंग, अलाइनमेंट, हर चीज़ में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात कर ले डायलॉग मेन्यू के बारे में, तो वो भी कुछ इस टाइप का, यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बड़ा सा कर दिया गया है, बाकी यहाँ पे उसके ये वाले पार्ट्स में चेंज करा गया है, यहाँ पे एक बार सा ला दिया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों बात कर ले लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो यहाँ पे सेम है, चेंज आपको देखने को नहीं मिलती है। अब द मेन थिंग इज बूट एनिमेशन ऑफ दिस थीम, तो इसे बूट करते हैं और यार मैं आपको दिखाता हूँ क्या देखने को मिलता है इसकी बूट एनिमेशन के अंदर, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। एंड जब आप देखते हैं ये जो रोटेट हो रहा था, ये भी इसको भी बदला गया है, वो भी आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाता है Redmi। एंड यहाँ पे अभी आएगी इसकी बूट एनिमेशन, इसमें कोई फ्लिकरिंग नहीं होगी बिकॉज ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही है, तो ये आ रही है अभी। एंड तो ये आ गया, हम फ्लाइम लिखा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है, मतलब भाई मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगी है बूट एनिमेशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, काफ़ी कूल सी देखने को मिल जाती है, डायरेक्टली कस्टम रोम से उठा के इसमें डाल दी गई है, तो मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो काफ़ी अच्छी थीम आपको देखने को मिल जाती है। अभी फटाफट बूट हो गई, अब मैं आपको अनलॉक करता हूँ फ़ोन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की थर्ड थीम। अब जो हम बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल थीम के बारे में, वो एक थर्ड पार्टी थीम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डाउनलोड करके इंस्टॉल आप कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो थीम, तो यहाँ चल जाते हैं माई पेज एंड थीम्स के अंदर, यहाँ पे थीम्स में भी आपको चेंज है इस थीम में प्राइम में, तो भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब दोस्तों जो लास्ट एंड फाइनल थर्ड पार्टी थीम है उसका नाम है एस, उसके पीछे जो लिखा है वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट ये चाइनीज थीम है। एस जैसे अप्लाई करते हो देख लेते आपको क्या देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दो इसमें नेविगेशन बटन में चेंज नहीं है, तो वो आपको देखने वाली चीज़ है। साथ साथ इसके आइकन में आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है, प्योर आपको वाइट थीम देखने को मिलती है, बजट में एनिमेशन है, काफ़ी अच्छा लगता है। आइकन मेरे को काफ़ी पसंद आया, इसके मिनिमल से हैं और राउंडेड स्क्वायर से कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। स्टेटस बार की अगर हम बात कर ले, ये भी एकदम साफ सुथरा और मिनिमल आपको लुक प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल क्लीन सा लुक है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात कर ले सेटिंग्स मेन्यू के बारे में, तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रेडिंग, अलाइनमेंट एंड आइकन्स में यहाँ पे चेंज किया गया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। डायलॉग मेन्यू अगर हम बात कर ले, तो वो आपको जिस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे ब्लू कर दिया गया है स्क्रीन को एंड
मिनिमल कलर यहाँ पे आपको दिए गए हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड दोस्तों हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, ठीक है। तो सही करेंगे तो आपके सामने म्यूज़िक आ जाएगा, और अगर अभी तो सही करेंगे तो कैमरा आ जाएगा। इस साइड आपको यहाँ पे पूरा स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिलता है, इस साइड कैमरा। एंड अगर आप बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल्स आ जाएंगे, आपको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अब जो चाहे वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे टिक कर दीजिए एंड वैसा ही ये हो जाएगा। एंड इसकी एक और खासियत आपको इसमें देखने को मिल जाती है चार्जिंग एनिमेशन, मैं आपको फटाफट शोकेस करता हूँ। तो दोस्तों ये आगे तार यहाँ पे से लगा देते हैं, एंड ये देख सकते हैं भाई, बहुत ही अमेजिंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे पेपर से पानी भर रहा है, और काफ़ी अच्छी आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलती है। कुछ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग जैसा भी आपको लुक देखने को मिलता है, बहुत ही अमेजिंग लगी मेरे को। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, यही था आज की वीडियो एंड आज की थीम्स। तो अगर आपको आज की वीडियो आज की थीम्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे जाके वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना कर जाएं। एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। एंड मेरे पोल का जरूर से जवाब दे देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं भी आपसे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।